मेघा बरसे में अर्जुन जो है वो अपनी जान बचाकर ठीक 5:30 बजे मेघा के पास पहुंच जाता है। सुबह में मेघा को अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं 5 बजे तक ना आऊं तो तुम चली जाना, लेकिन जब अर्जुन 5:30 पे पहुंचता है और वो मेघा को वहीं पर देखता है तो वो सवाल करता और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 5 बजे तक नहीं आऊं तो तुम यहां से चली जाना। मेघा कहती है कि हर बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और मैंने कह दिया था ना कि मैं नहीं जाऊंगी। यह अर्जुन कहा कि किससे तुमने कहा और कब कहा। यहां पर फिर जो है मेघा देखती है कि अर्जुन को तो गोली लगी हुई, वो बहुत घबरा जाती है और अर्जुन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर मैं जाऊंगी। अर्जुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे पकड़े जाएंगे। यहां पर मेघा कहती है अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो यहां पर मारे जाएंगे, तुम मर जाओगे अर्जुन। अर्जुन कहता मर ही जाऊंगा ना, ऐसे में हॉस्पिटल जाएंगे तो वैसे भी मरना है, तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं मेघा। यहां पर मेघा जो है वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हम करेंगे। तब तक यहां पर अर्जुन कहता है कि जाकर देखो वहां फर्स्ट एड बॉक्स है, वहां से तुम्हें कुछ सामान मिलेंगी, तुम मेरा शर्ट पीछे से जो है वो फाड़ दो और यहाँ हम लोग कुछ जो है हमें सामान मिलता है उससे हम कुछ करते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर अर्जुन बेहोश हो जाता है क्योंकि जो है गोली अर्जुन के पीछे बांह में लगी हुई है। और यहाँ पर मेघा क्या करे, मेघा अर्जुन को उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, अर्जुन नहीं उठ रहा है। मेघा को अर्जुन बेहोश होने से पहले यही कहता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अगर हॉस्पिटल गए जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पकड़ी जाओ मेघा। और ये कहकर अर्जुन बेहोश हो जाता है। यहाँ मेघा बहुत तेज चीखती है, चिल्लाती है और तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। अब देखना दिलचस्प है कि अब आगे क्या करेगी मेघा। पुलिस एक बार फिर से मेघा को अपने साथ लेकर जाएगी और इधर अर्जुन हॉस्पिटल में। वेल, जो भी होगा आगे की अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही।